ठीक है, बस मेरा यही पूछना था कि लाइफ सही है या नहीं है। ठीक है, मुझे तो पर्सनली तो मेरा ओपिनियन ये है, लाइफ सही है। ठीक है, बाकी हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग सही रहता है, जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव पढ़ ले, जिसको लाइव नहीं आ सकता नेटवर्क इश्यू है वो रिकॉर्डिंग्स चेक कर ले इसकी। ठीक है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है, बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियंस है। ठीक है, चल चलो। देखो लाइव में ये है कि बच्चा कंसेंट होता है, रेगुलर रहता है बंदा, कि वो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और इस टाइम आना है। अगर वीडियो भेज दे तुम पढ़ते नहीं हो, ऑप्टिक्स करनी है। चलो अच्छा स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 10 बज चुके हैं, अब हम करते हैं। लास्ट टाइम हमने बच्चा जो बात की थी, ठीक है, वो बात हमने कर ली थी, बच्चा किसकी कितने हाइट का मिरर चाहिए मुझे और कहाँ पे रखना है। ठीक है सुख जी, बाद में बात करते हैं, फिलहाल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास के एंड में बात करेंगे इस बारे में। चलो सुनो बच्चा, लास्ट टाइम मैंने बात की थी आप लोगों से कि कितनी हाइट का मिरर चाहिए मुझे और कहाँ लोकेशन पे चाहिए। ठीक है, उसी को हम आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन दिए थे मैंने, हाँ जी किए हैं क्या आप लोगों ने वो? मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे करने के लिए, किया क्या आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया, ईमानदारी से बोलो। एक ही बच्चे ने किए हैं, बाकी लोग किसी ने किया ही नहीं क्या? दो तीन चार, टाइम वाला यस। चलो 5-6 बच्चों ने किया, बाकी सब तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। 6, चलो ठीक है बच्चा। देखो मैं तरीका बता देता हूँ, तरीका क्या है उसको करने के, जो तरीके हैं वो बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, टाइम वाला क्वेश्चन जो बताया था ना मैंने आपको, 3-4 क्वेश्चन उसकी प्रोफाइल में लिख देता हूँ और उनके आंसर बता देता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, तो मान लो मेरे को टाइम रखा है, क्या टाइम का फॉर्मेट जो आपका होगा बच्चा वो क्या होगा? आवर फॉर्मेट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? मिनट होगा मेरे पास, फिर सेकंड फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आपको टाइम दिया होगा, तो मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। ठीक है, पहला एग्जांपल जैसे मैंने आहार 04 लिया है और मैंने टाइम दे रखा है 00, और टाइम भी क्या है 00 सेकंड है मेरे पास। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है बच्चा, देखो एक जनरल फॉर्मेट सिखा जाता हूँ मैं आपको। वो फॉर्मेट क्या है, जो भी आपको टाइम दे रखा होता है ना उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है किसमें से? 11 आवर 59 मिनट्स और 60 सेकेंड, ये आपका जनरल फॉर्मेट है। जो टाइम आपको गिवन है ना वो टाइम आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो 04 00, ऐसे कर लो तो आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करना सब लोग जानते हैं, इतना मुझे पता है। मैंने आपको टाइम क्या दिया था वैसे मुझे याद नहीं, चलो एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ मैं। तो मैंने एग्जाम्पल मान लो 15 मिनट और 43 सेकंड मैंने एग्जाम्पल दिया, तो आप क्या करोगे? 11 59 और 60, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या? 05 15 और 43। तो जो मेरे पास आंसर आएगा बच्चा इसका वो क्या आएगा? यहाँ पे 17 आएगा मेरे पास, यहाँ पे कितना आएगा? 44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इतना टाइम मुझे दिखाई देगा किसमें? मिरर में। तो जनरल अप्रोच आपकी जो है बच्चा वो क्या होगी कि जो भी आपको टाइम दे रखा है उस टाइम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले फिगर में से। ठीक है बच्चा, सबको क्लियर है बच्चा? ये नहीं तो बेस्ट तरीका पता है क्या? पेज पे ड्रॉ करो आप लोग। ठीक है, घड़ी बना लो पेज पे, उसके पीछे देखो। ठीक है, तो पीछे पलट के देखो बनना, तो आपको टाइम सही नजर आ जाएगा। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव में हेल्प करती है आप। ठीक है चल, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन क्या दिया था, मैंने शायद सुंदर करने वाला दिया था आपको। ठीक है, वो करते हैं, सुनो।
सुंदर कन्या मैंने दी थी, 2 मीटर की मेरी सुंदर कन्या थी, 2 मीटर की सुंदर कन्या थी, और उसकी हाइट जो थी मेरे पास, वो उसके आंखों की हाइट बेसिकली वो सर से 20 सेंटीमीटर नीचे थी, और सामने उसके क्या था, एक प्लेन मिरर था, और पीछे उसकी इमेज बनेगी, जितना डिस्टेंस मेरा यहाँ पे था उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनेगी। अब मेरा क्वेश्चन ये था बच्चा कि कितने हाइट का मिरर मुझे रिक्वायर्ड है इसको पूरा देखने के लिए, और कितनी लोकेशन पे, सिर्फ हाइट से मतलब नहीं था मुझे, मुझे मतलब था किससे, लोकेशन से भी मुझे मतलब था कि कहाँ रखें। तो लोगों ने शायद सॉल्व किया हो, क्या आंसर आया था आप लोगों का इस क्वेश्चन का, प्लीज चैट बॉक्स में बता दें मुझे जिन्होंने सॉल्व किया है। सॉल्व तो मैं कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सबके लिए, बट जिन्होंने किया उनका आंसर क्या आया था, किसी ने किया ही नहीं क्या? 0.9 ऊपर, ठीक है, 0.9 फ्रॉम अबव द ग्राउंड, वेरी गुड, शाबाश पल्लवी जी, वेरी गुड, गैरी चुग, वेरी गुड। दो बच्चों ने किया, बाकियों ने किया ही नहीं क्या? अब तो सब लिख देंगे हैं, देख देख के 0.9 अप, चलो अबव ग्राउंड, गुड, जिन्होंने किया है वेरी गुड, कीप इट अप, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है तो क्या कह सकते हैं उनका। अदिति जी किया नहीं आपने? चलो अश्विन जी बोलो क्या कह रहे हो, आपने हाथ खड़ा किया है, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है बोलो क्या कह रहे हो, टेक्स्ट कर दो। ओके अदिति, नो इश्यूज, चलो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चा। सुनो मैंने क्या बताया था आपको कल, मेरी अप्रोच क्या थी, मुझे अगर चरण देखने हैं तो चरण देखने हैं तो चरणों से रे डालो यहाँ पे, और कहाँ डालो, आंखों पे डालो, ठीक है। और मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मानते हो? तो ये हाइट कितनी है मेरे पास, ये हाइट मुझे दे रखी है बच्चा 1.8, 1.8 मुझे हाइट दे रखी है, क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो आंखें हैं, आंखों तक रे पहुंचाएंगे तभी देख पाएंगे हम लोग, तो चरणों से रे निकली, मिरर से टकराई और कहां पहुंची, आंखों में पहुंची, तो उसकी हाइट 1.8 है। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट मेरे पास, ठीक है, तो आधे आधे ये हाइट और ये हाइट आधी होगी, ठीक है, तो ये 0.9 हो गया, तो ये वाला मिरर तो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, ये 0.9 है, यहां से मेरा यूजफुल मिरर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे अपने सर को देखना है, सुंदर कन्या ने अपने सर को देखना है, तो रे आएगी सर से और जाएगी कहां पे, आंख में, मानते हो? अब फिर दो ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये हाइट कितनी है, 20 है पूरी, तो 10 मेरे पास ऊपर आएगा, मेरे पास मानते हो यहां से 10 ऊपर आएगा, तो 0.9 तो ये है, 0.9 तो यहां तक का सिस्टम है मेरे पास, और 10 सेंटीमीटर इतना सिस्टम है, ये सिस्टम जो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो 0.9 और 10 मिला दूं तो जो यूजफुल एरिया है मेरे पास जो मुझे चाहिए वो तो 0.9 चाहिए निचले वाले ट्रायंगल से, और 0.10 चाहिए मुझे अपर वाले ट्रायंगल से, मतलब 0.1 चाहिए, तो 1 मीटर का मुझे क्या चाहिए, मिरर चाहिए पूरी इमेज देखने के लिए, तो लेंथ में तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन फर्क किस पे आ गया, लोकेशन पे आ गया। अगर मैं चमत्कारी कन्या मानता जिसकी आंखें सर पे थी तो लेंथ ऑफ मिरर वो भी मेरा 1 मीटर आता, और लोकेशन जो आती ग्राउंड से वो भी क्या आती मेरे पास, 1 मीटर आती, मानते हो? लेकिन अगर चमत्कारी कन्या नहीं है, नीचे आंखें हैं, तो देखो लेंथ तो मेरी क्या आ रही है, 1 मीटर आ रही है, लेकिन लोकेशन क्या आ रही है मेरी, 0.9 मीटर अबव ग्राउंड। तो आपको याद कैसे करना है, आई लेवल देखो आप, मान लो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि एक बंदा है वो 8 फीट का बंदा है मान लो, तो मिरर का साइज क्या होगा, 4 फीट, आधा होगा पक्की बात है पूरी इमेज देखने के लिए,
लोकेशन देखनी है ना आपको, तो लोकेशन का फंडा क्या है कि आई लेवल देखो, आई लेवल देखो ग्राउंड से, आंख की जो हाइट होगी किससे, ग्राउंड से, उसका आधा करना है। इस केस में सुंदर कन्या की आंखें ग्राउंड लेवल से कितनी थी, 1.8 थी। पूरी सुंदर कन्या 2 मीटर की थी, लेकिन आंखें जो थी मेरे पास वो कहाँ थी, 1.8 थी, तो उसका आधा करना पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। एक तो मिरर की लेंथ कितनी चाहिए, मिरर की लेंथ तो मुझे हाइट की आधी चाहिए, और लोकेशन जो मुझे पता लगानी है वो देखो आंख की हाइट कितनी है ग्राउंड लेवल से, उसका आधा कर दो, उतने ऊपर मेरे पास मिरर होना चाहिए। इस टॉपिक में किसी को कोई तकलीफ है बता दो मुझे, जिस बच्चे को है वो चैट बॉक्स में डाल दे, मैं रिपीट कर दूंगा। आई एम वेटिंग। ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? रिपीट बाय गॉड। चलो देखो बच्चा, सिंपल फंडा बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। योगिता जी सुनो, देखो अगर बंदा मेरे पास मान लो 10 फीट का बंदा है और आंखें उसकी 8 फीट में, 10 फीट का बंदा है और आंखें 8 फीट पे हैं, तो मुझे दो चीजें पूछेगा आपसे, कितनी लेंथ का मिरर उसकी पूरी पिक्चर बना पाएगा, पूरी इमेज बना पाएगा। तो लेंथ जो निकालनी है वो तो क्या होगा, टोटल हाइट बंदे की या बंदी की, टोटल हाइट जो भी है उसको बाय 2 कर दूं। टोटल हाइट तो कितनी है, 10 फीट है मेरे पास, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 5 फीट का मुझे मिरर चाहिए उसकी पूरी इमेज बनाने के लिए। ठीक है, अब वो दिखने भी तो चाहिए पूरी इमेज, तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, लोकेशन चाहिए कि वो लोकेशन जो है बच्चा कहाँ रखूं मैं, ग्राउंड से कितना ऊपर रखूं। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है, मुझे आई लेवल की हाइट देखनी है, आंख कहाँ पे है, ग्राउंड से इसकी आंखें कहाँ पे है, 8 फीट पे है, तो जो भी आंखों की हाइट है उस हाइट को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 2 से, तो 4 फीट। इसका मतलब क्या है, 4 फीट ऊपर मुझे मिरर रखना पड़ेगा ग्राउंड लेवल से, और 5 फीट का मिरर चाहिए, मिरर चाहिए 5 फीट का, और उसकी लोकेशन कहाँ है, 4 फीट ऊपर ग्राउंड से, तब मैं उसकी पूरी इमेज देख पाऊंगा मिरर के अंदर। इतनी बात पल्ले पड़ती है, किसी को कोई डाउट प्लीज लेट मी नो। योगिता जी आ गया? चलो गुड। अब सुनो, टाइम वाला क्वेश्चन हो गया, और ये वाला, ये तो लास्ट लेक्चर का ही था मेरे पास। ठीक है, अब आपसे बहुत कुछ चीजें पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो आपको सिमिलर ट्राइंगल अगर आपको आता है ना बच्चा, तो आपकी लाइफ सेट है। अगर सिमिलर ट्राइंगल नहीं आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, सिमिलर और कॉन्ग्रोएंट ट्राइंगल आपको आने चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चर्चा कर रहा हूं वो फील्ड ऑफ व्यू पे। फील्ड ऑफ व्यू सब जानते हैं, ठीक है जी, जहां तक मैं इमेज को देख पाता हूं वो क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू होता है मेरे पास। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन के लिए है, सिलेबस वालों के लिए नहीं है, मेंशन करता हूं, बट ट्राई करो, मुश्किल नहीं है। अगर सिमिलर ट्रायंगल आपको आता है तो आप बड़े प्यार से कर पाओगे। क्वेश्चन किस पे है, फील्ड ऑफ व्यू पे। तो एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं फील्ड ऑफ व्यू पे, क्या है क्वेश्चन सुनो, मेरे पास एक मिरर है, एक मिरर दे रखा है, उसकी जो लेंथ है वो है डी, ठीक है, और उसके सेंटर से बच्चा एल दूरी पे एक सोर्स है, उससे एल दूरी पे एक सोर्स है, ठीक है, और उससे 2L डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है। 2L डिस्टेंस पे क्या है, एक ऑब्जर्वर है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसको ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। तो पूछा क्या है, यहां पे ऑब्जर्वर है,
ये मेरा सोर्स है, इसकी इमेज बनेगी, एस की इमेज बनेगी मिरर में, वो इमेज ऑब्जर्वर को कितने डिस्टेंस तक दिखाई देगी, कितने डिस्टेंस तक दिखाई देगी, यानी फील्ड ऑफ व्यू पूछा गया आपसे। ठीक है, तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं इसको ट्राई करने के लिए। मैंने बताया था फील्ड ऑफ व्यू निकालते कैसे हैं, याद है फील्ड ऑफ व्यू निकालते कैसे हैं? ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से एक रे बनाओ मिरर के एक एंड पे, रिफ्लेक्ट करो, ऑब्जेक्ट से दूसरी रे बनाओ मिरर के दूसरे हिस्से पे, रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, तो ये जो पाथ है बेसिकली इन दोनों के बीच का, ये मेरा फील्ड ऑफ व्यू था, याद है बच्चा? तो इस सवाल को ट्राई करो, जो ये कर लेगा उसे 10 रुपये नगद इनाम पेटीएम किया जाएगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपके लाइफ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अनीता जो है वो है D/2, बसंती जो है वो D है, और जो चंपा है वो 2D है, और जो डॉली है वो 3D है। तो 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं, अब आपको बताना है। 2 मिनट का टाइम है, से ज्यादा टाइम मिलूंगा आपको, ट्राई करो। स्माइल हैज रेज द हैंड, स्माइल बताओ क्या काम? बोलो स्माइल, क्या दिक्कत है? ओके बच्चा, कुछ लोग 2D कर रहे हैं, कुछ 3D कर रहे हैं, देखते हैं क्या है सिस्टम। ओके शाबाश, मोस्टली बच्चों का सही आ रहा है, गुड। चलो बच्चा शाबाश, वेरी गुड बच्चा, बड़े होशियार बच्चे तुम लोग यार, कमाल है। मैं तो वही सोच रहा था तुम तो होशियार निकले। चलो बच्चा सुनो, देखो हुआ क्या, सुनो। हमें रे डायग्राम बनाना है, तो देखो क्या करना है, एस से 2 रे बनानी है मेरे को, एक रे तो बनानी है कहां पे, इस मिरर एंड पे, वो रे जाएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी, मानते हो? ठीक है, एक रे बनानी है मेरे को ऐसे, वो भी रिफ्लेक्ट होके जाएगी यहां पे। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है बच्चा, ये डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, फील्ड ऑफ व्यू कहलाएगा, मानते हो? तो ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो मुझे पता है, देखो सोर्स कहां रखा था, D/2 पे रखा था मैंने सोर्स, मानते हो बच्चा? तो यहां पे क्या डालू, नॉर्मल डाल दू, जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा थीटा, मानते हो? पक्की बात है? तो ये लेंथ कितनी है मेरे पास, ये लेंथ है D/2, तो ये लेंथ भी कितनी होगी मेरे पास, D/2, और ऊपर वाली लेंथ भी क्या होगी मेरे पास, D/2, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है बच्चा, अब देखो सुनो, इसको एक्सटेंड कर लूं आगे। अब ट्राइंगल देखो, जिस ट्राइंगल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो देखो, ये ट्राइंगल छुटकू ट्राइंगल, ठीक है, और एक बड़ा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल पूरा, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है, मानते हो? तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चा मेरे पास, कि लेंथ प्रोपोर्शनल होते, साइड प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों प्रोपोर्शनल होंगी। देखो ये लेंथ तो कितनी है, एल है, और बड़े ट्राइंगल की ये लेंथ कितनी है, 2L है। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी देखूं तो डबल आ रही है मेरे पास,
तो अगर ये डी बाई टू है तो ये लेंथ कितनी होगी, डबल होगी यानी डी हो जाएगी। सिमिलरली बच्चा अगर मैं बात करूं, मैं किसकी, इस ट्राइंगल की बात करता हूं मैं, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है बच्चा, तो इसको ड्रॉ कर देता हूं मैं ऐसे, ये वाला ये डी बाई टू होगा और ये भी क्या होगा डी बाई टू। तो ये डी बाई टू है तो ये कितना होगा बच्चा मेरे पास, डबल होगा, ये डी हो गया। और ये लेंथ कितनी थी, ये डी थी, तो बच्चा ये भी क्या होगी मेरे पास, डी होगी। तो ये डी प्लस ये डी प्लस ये डी, आंसर क्या आएगा 3D। मोस्टली बच्चों का सही था, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, या किसी को डाउट है बताओ, किसी बच्चे को डाउट है बोलो बच्चा। एनीवन, कोई डाउट नहीं है, चलो गुड है बच्चा। है डाउट किसी को, नो डाउट, ओके। तो बच्चा प्लेन मिरर की कहानी हमने लगभग खत्म कर दी है, तो अब हमें नेक्स्ट सेक्शन पे हमें शिफ्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है मेरे पास वो क्या आता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है काफी आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब तक बात की थी किसकी, प्लेन की। प्लेन मिरर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि वेलोसिटीज पढ़ी है हम लोगों ने, ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू पढ़ लिया है हम लोगों ने, नंबर ऑफ इमेजेस पढ़ ली हैं, कितनी बनेंगे कितनी नहीं बनेंगी, और साइज ऑफ मिरर पढ़ लिया, कितना साइज ऑफ मिरर मुझे चाहिए पूरी इमेज देखने के लिए, डेविएशन पढ़ लिया हम लोगों ने, ये सब चीजें हमने पढ़ी है किसमें, प्लेन मिरर में, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं स्फेरिकल सरफेस की, रिफ्लेक्शन जो होगा वो स्फेरिकल सरफेस पे होगा। अब पहला सवाल तो मेरा ये है, क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल सरफेस से वैलिड है या नहीं है, बताओ भाई। गुड है, शाबाश। देखो बेसिकली है क्या, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल सरफेस वेदर दे आर प्लेन स्फेरिकल और इरेगुलर शेप, ठीक है बच्चा, हर एक के लिए वो वैलिड होता है मेरे पास, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, कि हमारा जो फंडा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वो था एंगल ऑफ आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या था, एंगल ऑफ आर था मेरे पास। तो आई और आर जो हम लेते थे वो लेते थे किससे, नॉर्मल से लेते थे, मानते हो पक्की बात है। तो अब मुझे बताओ स्फेरिकल सरफेस के अंदर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो मैंने स्फीयर ले लिया, इस पॉइंट पे मुझे नॉर्मल ड्रॉ करनी है, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे, एनी आइडिया। एक रे आई मान लो ऐसे, ठीक है, तो मुझे ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे के लिए मुझे नॉर्मल तो चाहिए, तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकता हूं स्फेरिकल सरफेस, नॉर्मल ड्रॉ कर सकता हूं मैं, एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो सेंटर से पास हो रही हो बच्चा, तो मुझे नॉर्मल कहां ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे ड्रॉ करना है,
तुम्हारा सेंटर यहां पे, तो मैं इस सेंटर से एक लाइन जोड़ दूं, ये लाइन जो होगी मेरे पास क्या कहलाएगी, नॉर्मल कहलाएगी इस पॉइंट पे। तो नॉर्मल से जो एंगल होगा आई, उतने ही पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, तो आई बराबर आर। तो याद रखना स्फेरिकल सरफेस में नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दो उस पॉइंट पे पासिंग थ्रू सेंटर, तो वो नॉर्मल होगी। ठीक है बच्चा, अच्छा अब कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर के लिए। ठीक है, जैसे मान लो दो टाइप के मिरर पढ़ोगे आप स्फेरिकल के अंदर, एक तो कनकेव पढ़ोगे और एक कन्वेक्स पढ़ोगे। ठीक है बच्चा, तो पहले बात करते हैं, देखो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन ये है कि दीज आर पार्ट ऑफ अ स्फीयर। स्फेरिकल मिरर बनते कैसे, एक स्फीयर लो, स्फीयर का कुछ पोर्शन ले लो, ठीक है, उसे आप एक साइड से सिल्वरिंग कर दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बाहर से इसको मैंने सिल्वरिंग कर दी और इतना पोर्शन मैंने कट कर दिया इसका, तो ये क्या बन गया, एक स्फेरिकल मिरर बन गया। तो स्फीयर ले लो, स्फीयर का कुछ पोर्शन सिल्वर कर दो और कट कर दो, तो वो क्या बन जाएगा मेरे पास, स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। स्फेरिकल मिरर जो है मेरे पास वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दो टाइप के होंगे। आपने शायद पढ़ा हो कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। तो ये जो शेप दिख रही है मेरे को, ये शेप दिख रही है बाहर से मैंने सिल्वरिंग कर रखी है इसकी, तो बताओ मेरे को ये कौन सी शेप है, कनकेव है या कन्वेक्स है। जानते हो 9-10 पढ़ के आए ऑप्टिक्स यार तुम लोग, थोड़ा बहुत तो ऐसा भूल गए हो। कनकेव, यस गुड, ये शेप तो क्या है, कनकेव है। अगर मैं शेप बनाऊं ऐसे, देखो ये स्फीयर का पार्ट था और मैंने अंदर वाली साइड पे ऐसे मैंने सिल्वरिंग कर दी, तो रे कहाँ इंसिडेंट करेगी, रे तो यहां इंसिडेंट करेगी, मानते हो बाहर की तरफ ऐसे, तो ये शेप कौन सी है बच्चा, ये कन्वेक्स है और ये क्या है मेरे पास, कनकेव है। ये चीज तो बच्चा पता होनी चाहिए, ठीक है, अगर ये नहीं पता है तो आपके प्राण निकल जाएंगे। ठीक है जी, चलो यार बच्चे अभी भी आ रहे हैं, कमाल की बात है, इतनी लेट कौन आता है भाई। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है मेरे पास, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। पोल क्या है, ठीक है, रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर क्या है, और ये टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्फेरिकल मिरर के कॉन्टेक्स्ट में। और फोकस क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फोकस होगी, और एक टर्म आएगी मेरे पास पैरा एक्सियल रे, ये क्या है इनकी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। तो देखो मैंने बताया था आपको स्फेरिकल मिरर बनता किससे है, एक स्फीयर लो, स्फीयर कुछ हिस्सा काट दो, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। ठीक है, तो उस स्फीयर का सेंटर जिसका वो पार्ट है मेरे पास स्फेरिकल मिरर, उस सेंटर को क्या बोलता हूं मैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पोल क्या होता है। ये मिरर है मेरे पास, मान लो इतना था मैंने काट के अलग से बना लिया, ये मिरर है, तो उसका पोल क्या होगा, कौन मुझे समझाएगा कि पोल क्या है, कहां पे होगा पोल, पढ़ चुके आप सब लोग। सेंटर पे, सेंटर पे, सेंटर ऑफ मिरर, गॉड,
जहां सेंटर से लाइन टच करेगी। ओके, सेंटर ऑफ मिरर। और कोई बच्चा भाई? तीन चार बच्चे ही बोल रहे हैं, बाकी तो वेट कर रहे हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, सुनो, अब आपने जो पढ़ा है ना बच्चा, वो अधूरा ज्ञान है, बता देता हूं मैं आपको। पहली चीज, बच्चे पता है, सुनो, मोस्टली बच्चे क्या बोल रहे हैं, सेंटर भाई ये मिरर है, इसका सेंटर, ये सेंटर सर क्या है, मेरे पास पोल है। सब लोग यही बोल रहे हैं बच्चा, ये जरूरी नहीं है। पोल जो है मेरे पास, जहां प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी। ओके, चलो सुनो बच्चा, अगर पता क्या है, बच्चा सोचता है जितना मिरर है उसका सेंटर ले लूं, वो मेरा पोल है, मान सकते हो, मैं नहीं कहता ये पोल नहीं है, लेकिन ये पोल की प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। पोल एक ऐसा पॉइंट है, पोल इज अ पॉइंट ऑन द मिरर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड कन्वीनियंटली। जैसे मान लो जेई ने एक सवाल पूछा, बच्चा सुनो, ऐसे था मेरा मेरा ऐसे, और बंदे ने ऑब्जेक्ट रखा था इस, यहाँ पे, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया उसने। अब ये मिरर तो देखो ऐसे है, आपके अकॉर्डिंग तो सेंटर पॉइंट ये है इसका, तो ये तो पोल नहीं कहलाएगा। अब पोल क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा, ठीक है? तो पोल को आप मिरर पे कहीं पे भी मान सकते हो, पोल को आप मिरर पे कहीं पे भी मान सकते हो, लेकिन वो ऐसी जगह मानो जहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस कन्वीनियंटली मेजर किया जा सके, ठीक है बच्चा? तो पोल मेरा ये कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। कितने लोगों में बात पल्ले पड़ गई है पोल के कॉन्टेक्स्ट में? तो बंदों ने हाथ खड़ा किया है, हाथ मत खड़े करो, टाइप करो। ठीक है जी, ओके बच्चा, थैंक यू। चलो पोल हो गया मेरे पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया मेरे पास, ठीक है? अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो भी आसान है मेरे पास। जिस स्फीयर का हिस्सा है मेरा मिरर, जिस स्फीयर का हिस्सा है मेरा मिरर, ठीक है, उस स्फीयर का रेडियस है मेरे पास आर, वही क्या कहलाएगा मेरे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉमन सेंस, ऑल द रेयर सेंस, ठीक है? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये अपर्चर है, अपर्चर है, इसके बारे में क्या जानते हो आप लोग? थोड़ा सा ब्रीफली बता दो मुझे चैट बॉक्स में, अपर्चर क्या है, आइडिया भी है या नहीं आइडिया? जहां से लाइट एंटर करती है, टोटल लेंथ ऑफ मिरर, नॉट एग्जैक्टली, मिरर के दोनों एंड की दूरी। चलो ठीक है, कुछ कुछ सही, मतलब तुम्हें पता है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, गुड। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, नो बच्चा, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं है। चलो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपके आ रहे हैं, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, अपर्चर है क्या, फिर बात करेंगे हम लोग रेडियस ऑफ अपर्चर की। पहले बताता हूँ अपर्चर क्या है, फिर नेक्स्ट टर्म जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेडियस ऑफ अपर्चर। तो सुनो, एक चैट बॉक्स में और बंदा आ गया, कौन है भाई? एरिया फ्रॉम वेयर लाइट एंटर सीम्स टू बी ऑल राइट, ठीक है? चलो देखो बच्चा, सुनो ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें जो बच्चा यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, से जहां से लाइट एंटर करेगी, अगर मैं सेब काटते कभी या आपने संतरा काटा हो तो साइड से काटोगे तो जो बचेगा मेरे पास ये वाला एरिया,
ये जो है मेरे पास, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरा क्या है मेरे पास, अपर्चर है, ठीक है। और इस अपर्चर जो मेरे को दिख रहा है, ये ऐसे, ये अपर्चर दिख रहा है ना आपको, ये बना रहा हूं मैं ऐसे, ये अपर्चर है। इसका जो रेडियस होगा, ये वाला रेडियस, ये जो रेडियस है, इसे बोलता हूं मैं रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है बच्चा, बात पल्ले पड़ गई अपर्चर के बारे में। अपर्चर बड़ा हो तो ज्यादा लाइट आएगी, अपर्चर कम हो तो लाइट कम आएगी। तो बेसिकली इंटेंसिटी को कंट्रोल करने की बात करते हैं हम लोग। अपर्चर बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा घुसेगी, ठीक है। अपर्चर कम होगा तो लाइट कम आएगी, ठीक है बच्चा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? डिफरेंट कलर यूज कर रहा करो। अच्छा फिर से बता दो, चलो सुनो। देखो बच्चा, मैंने क्या बताया था कि ये स्फीयर था मेरे पास, ये स्फीयर था, स्फीयर का इतना पोर्शन मैंने सिल्वरिंग करी थी, ठीक है बच्चा। अब ये जो लेंथ है मेरे पास, ये यहां से लेकर, ये यहां से लेके यहां तक, इतना जो मेरे पास यहां से लाइट आए एंटर करेगी, मानते हो, तो ये क्या मेरा अपर्चर है। और इसका ये जो है, इसका जो रेडियस है मेरे पास, वो क्या कहलाएगा मेरे पास, रेडियस ऑफ अपर्चर। ठीक है बच्चा, यहां तक कोई तरीफ? पक्की बात है ना जी? आ गया, है ना? ओके चलो, अब बात करते हैं फोकस और पैराएक्सियल रे की, ठीक है जी। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लाइफ में फोकस ना हो तो कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो सुनो, सबसे पहली चीज बच्चा, फोकस। मान लो आपके एक मिरर है ऐसे, ये इसका सेंटर है, ये इसका पोल है, इन दोनों को जोड़ दूं मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन से, तो इसे क्या बोलता हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सब लोग जानते हो तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है, सेंटर, और ये क्या है, पोल है। इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन का क्या बोलता हूं मैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलता हूं। अब फंडा पता क्या होता, सुनो। कोई भी रेज आएंगी आपके पास ऐसे, पैरेलल रे आएंगी, तो हम बोलते हैं कि वो पैरेलल रे कहां से पास होती हैं, फोकस से पास होती हैं। तो पैरेलल रे, अगर मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई रेज में डालता हूं, तो वो एक पॉइंट से पास होती हैं, उन्हें क्या बोलता हूं मैं, फोकस। ऐसा आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, पक्की बात है, ठीक है। अब देखो, मान लो ऐसे है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है और रे टेढ़ी आ रही है ऐसे, है तो रेज पैरेलल, लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है। तो अब मुझे बताओ, क्या ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगी? क्वेश्चन है मेरा ये भाई साहब, आईफोन वाला कौन है बार बार एडमिट कर रहा है? नो 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 नो, ओके। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं होगी, चलो मान लिया आपकी बात मैंने, नहीं होगी तो कहां से पास होगी फिर? आप सब बोल रहे हो कि ये फोकस से पास नहीं होगी, तो फिर ये कहां से पास होगी? बताओ भाई, कहां से पास होगी? उसी पाथ पर बैक जाएगी। वाह वाह, क्या बात है, चमत्कारी बालक।
रिफ्लेक्ट होके फोकस के नीचे मिलेगी, नीचे तो मिलेगी, नीचे कहाँ मिलेगी, फोकस और पोल के बीच में। वेरी गुड, गलत आंसर। एट द बैक, पीछे मीट करेंगे, पीछे लाइट जाएगी नहीं भाई। हाँ, अपियर टू मीट कर सकती है। चलो बच्चा सुनो, आई इज इक्वल टू आर, कुछ कुछ बच्चे सही बोल रहे हैं। सुनो देखो, आप कंसेप्ट थोड़े से ढीले हैं, बता देता हूँ, सुन लो। इतने ढीले भी नहीं है, यू आर गुड इनफ। देखो बच्चा, अगर रे मेरे पास पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वो एक पॉइंट से पास करती है फोकस। इतनी बात समझ में आती है? अब अगर मान लो टेढ़ी आ रही है रे, ऐसे टेढ़ी आ रही है, तो एक पॉइंट से पास करेगी, ऐसे याद रखना। ये रे पैरेलल थी तो ये इस फोकस से पास हो रही थी, ये रे टेढ़ी थी तो ये नीचे पास कर रही है। तो ये एक प्लेन होता है, मैं एक लाइन दिखा रहा हूं लेकिन एक्चुअली एक प्लेन होता है, इसे बोलता हूं फोकल प्लेन। इसे बोलता हूं फोकल प्लेन। अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तब तो वो फोकस से पास करेगी। और अगर रे पैरेलल नहीं है तो वो कहां से पास करेगी, फोकल प्लेन से पास करेगी। ठीक है बच्चा, एक प्लेन बनेगा, प्लेन समझ सकते हो ना आप लोग, एक लाइन नहीं है, एक प्लेन है बेसिकली, उस प्लेन से पास करेगी। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? चलो, तीन बच्चों को समझ में आ गया एटलीस्ट। चलो, चार को आ गई, पांच, चलो जाग रहे हैं बच्चे मतलब। चलो मुस्कान जी, आपने हाथ खड़ा किया, बोलो। यार रेज हैंड मत किया करो जब कोई पूछना ना हो तो, ठीक है जी। चलो सुनो, यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल ठीक है जी। देखो बताना आप मेरे को, मान लो मिरर पड़ा है मेरे पास, एक रे तो मैंने डाली यहां पे पैरेलल ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस की, दूसरी रे मैंने डाली यहां पे ऐसे काफी डिस्टेंस पे, मतलब मिरर बड़ा है मेरे पास, ये है मेरे पास रे वन और ये है मेरे पास रे टू। ठीक है बच्चा, रे वन पैरेलल भी है एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस भी है, रे टू जो है वो पैरेलल तो है लेकिन अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस, यानी दूर है किससे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो बताओ ये दोनों रे क्या ये फोकस से पास होंगी? पहला ऑप्शन मेरा ये है, दोनों पास होंगी। दूसरा ऑप्शन एक मतलब वन पास होगी। तीसरा ऑप्शन टू पास होगी। चौथा ऑप्शन नन, कोई भी फोकस से पास नहीं होगी। तो बता दो अनीता बसंती चप्पा डॉली में कौन सा आंसर आएगा? दोनों पास होंगी, सेकंड ऑप्शन, एक दोनों डॉली, अच्छा नन। कनन दोनों बोल रही है, चलो महक ए बोल रही है, दोनों शाबाश। बाकी लोग, अदिति सीमा भी दोनों बोल रही है, दोनों शाबाश। अंजलि बोल रही है एक। चलो देखते हैं बच्चा, आपका लगभग फील ले लिया मैंने कि आपके कहाँ जा रही है थिंकिंग आप लोग। सुनो देखो, सुनो, किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि सर एंगल आई बराबर तो एंगल आर रहेगा ही रहेगा। ये सही है, बिल्कुल सही बात बोली बच्चे ने, वेरी गुड बच्चा। अब एक बात बताओ, इसका सेंटर कहीं मान लेते हैं आप, यहां कहीं मान लेते हैं सेंटर, मान ले सेंटर, तो मुझे इस पॉइंट पे क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया इस पे, ये क्या है एंगल आई, तो ये एंगल आई बना के वापिस चला जाएगा। ठीक है, मानते हो बच्चा? अब इस पॉइंट मुझे नॉर्मल चाहिए,
इस पॉइंट को जोड़ दूं सेंटर से मैं, ये मेरा आई था मेरे पास, इसे मैं क्या मान लूं, आई डैश मान लूं। ठीक है बच्चा, अब मुझे बताओ क्या आई डैश और आई सेम है क्या? आई डैश और आई सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है बच्चा, कॉमन सेंस है। अरे हाँ ना बोलो। ठीक है जी, तो आई बढ़ेगा जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस से, आई बढ़ेगा, मानते हो? ठीक है, तो आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा, मानते हो? तो इसका मतलब क्या है, ये आर बढ़ेगा तो ये दूर जाएगा ऐसे, मानते हो? तो सेम पॉइंट से पास नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जाओगे, आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो आर बढ़ेगा। तो जो आपने पढ़ा ना बच्चा, सुनो, आपने गलत नहीं पढ़ा कभी भी, ठीक है, लेकिन आपको अधूरी बात बताई गई थी। वो ये बात ये थी कि आपको बताया गया था कि पैरेलल रे जब भी आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि पैरेलल तो हो लेकिन क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तभी वो फोकस से पास होंगी। ठीक है, अगर मैं तीन चार रे बना दूं डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे और मिरर बड़ा है, तो कोई भी एक पॉइंट से पास नहीं होगा, वो सब अलग अलग पॉइंट से पास होंगे, ऑल दो वो पैरेलल है। ठीक है, तो जो रे पैरेलल भी हो एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, मैं प्रूव करूंगा बच्चा कि मैंने छोड़ा नहीं है इसको, मैं पूरा आपको डायरेक्ट प्रूफ दूंगा कि अलग अलग पॉइंट से क्यों पास हो रहे हैं, सब रीजन दूंगा मैं आपको। ठीक है, पैरेलल भी हो और क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, उसे क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे। तो जो रेज पैरा एक्सियल होंगे ना, वो सारी फोकस से पास होंगी। आई बात समझ में? सिर्फ पैरेलल होना काफी नहीं है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है तो वो फोकस से पास नहीं करेंगी। अगर रेज मेरे पास पैरा एक्सियल है यानी पैरेलल भी हैं और साथ में क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, क्लोज क्यों बोलता हूं, अगर क्लोज होगा ना तो आई मेरा कम होगा, दूर होंगी तो आई मेरा ज्यादा होगा। अब मैं प्रूव करता हूं बेसिकली कि फोकस से पास क्यों नहीं होगी। जो बात मैंने बताई वो समझ में आ गई, अब मैं प्रूव कर देता हूं आप लोगों को कि ये कैसे सिस्टम है। आप लोगों ने रट्टा मार रखा होगा कि फोकस की वैल्यू क्या आती है, आर बाई टू, सब लोगों ने रट्टा मार रखा होगा ना भाई, मैं प्रूव करूंगा कि उसकी वैल्यू क्या आती है। कितने लोगों मेरी बात पल्ले पड़ी अब तक की? अरे आया, चलो आ गया, गुड, पता लग जाता है, जाग रहे हैं बच्चे। चलो अब मैं प्रूव करता हूं बच्चा कि ये जो ना बेसिकली पास क्यों नहीं हो रही, दूर वाली रे पास क्यों नहीं हो रही, उसका मैं प्रूफ देता हूं आपको। ठीक है, चलो सुनो, अब मेरे पास जो प्रूफ है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। पैन कार्ड दिया, चलो एक रे आई मेरे पास पैरेलल, ये मेरे पास मिरर था। ठीक है, ये इसका सेंटर मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इस सेंटर से क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे और ये नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होके यहां पे, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके यहां से पास होगी, ये मेरा फोकस है, मानते हो? ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। इतनी बात समझ में आती है बच्चा? पक्की बात है? ठीक है, अच्छा, अब ये सेंटर है मेरे पास और ये मेरा पोल है,
इनके बीच की दूरी जो होती है बच्चा मेरे पास क्या होती है, आर होती है। ठीक है, अब ये आई है मेरे पास, ये भी आई है, तो ये एंगल कितना है, ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आई है तो बताओ बच्चा ये एंगल कितना होगा। अरे सिंपल है यार, बताओ तो सही। आई आएगा, शाबाश। ऑल्टरनेट एंगल है, सबको दिख रहा है ये, जेड बन रहा है मेरे पास, तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा मेरे पास, आई बन जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ, पक्की बात है। अच्छा, अब मैं इस फोकस से क्या कर रहा हूं, इस लाइन पे क्या डाल रहा हूं, एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। फोकस से इस लाइन पे क्या डाल रहा हूं, परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको फील आ जाए क्या चीज है फंडा। ये मैंने डाला परपेंडिकुलर, ये मेरा था फोकस, ये एंगल आई था और ये वाला एंगल भी आई था। अच्छा, ये दूरी कितनी है, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, आर होगी बच्चा, मानते हो ना, क्योंकि सेंटर को मैं किसी पॉइंट से जोड़ दूं स्फीयर के तो रेडियस आता है मेरे पास। अब इन दो ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इनमें एक साइड तो कॉमन है, ये वाली साइड तो कॉमन है, आई एंगल दोनों में सेम है 190, तो दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल भी अपने आप ही सेम हो जाएगा। तो ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है बच्चा, मानते हो, तो कॉन्ग्रुएंट है बच्चा। तो ये लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों आधी आधी होंगी, तो ये लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, R/2 आ जाएगा, और ये लेंथ भी क्या आ जाएगी मेरे पास, R/2। इतनी बात पल्ले पड़ती है भाई सबको, यहां तक समझ में आया कि ये लेंथ कितनी है, R/2, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो दोनों में आधा आधा आएगा। कितने लोगों मेरे बच्चों की, दो बच्चों को खाली, चलो चार को चमक गई एटलीस्ट, चलो आ गया, चलो गुड है। ठीक है, अब देखो सुनो, मुझे पता लग गया, इस ट्राइंगल को फिर से ड्रॉ करता हूं मैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लेंथ, ये 90, आधा ड्रॉ कर रहा हूं ट्राइंगल में, ये लेंथ है R/2 और ये एंगल है I, तो तुम मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है, यूज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फंडा यूज करो और मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी आएगी, फटाफट बताओ। इस कंसेप्ट पे एम्स ने एक बार सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, मैं इस कंसेप्ट पे एम्स में बढ़िया जबरदस्त सवाल आया हुआ है इस पे। बताओ भाई कितनी लेंथ आएगी, या सो गए हो, R/2 cos थीटा, R/2 cos थीटा, R/2 tan, वाह क्या बात है बच्चा, सारे आंसर है, सारी वैरायटी उपलब्ध है, साइन कॉस टैन कुछ तो छोड़ दो। चलो सुनो, सही आंसर किसी का भी नहीं है, चलो सारे पापी हो। थीटा के सामने ये आई है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है मेरे पास, बेस, और ये क्या है मेरे पास, हाइपोटन्यूस। तो मुझे बेस पता है और हाइपोटन्यूस निकालनी है, तो बेस बाय हाइपोटन्यूस क्या होता है, कॉस, तो कॉस आई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटन्यूस, तो बेस तो क्या है, R/2 है,
हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है तो एच निकालना है, तो एच को उधर ले जाऊं और कॉस आई नीचे ले जाऊं, तो आर बाय टू कॉस आई आएगा मेरे पास, तो यानी कि आ गया आर बाय टू सीकेंट ऑफ आई। ये आंसर है, ये किसी ने भी नहीं दिया, सारे के सारे महान हस्ती। तो ये लेंथ जो बच्चा मेरे को समझ में आ गई वो क्या है, ये लेंथ जो है मेरे पास ध्यान से देखो ये क्या आ गई, आर बाय टू सीकेंट ऑफ आई आ गई। अब फोकस की दूरी निकालनी है मुझे पोल से, फोकस की दूरी निकालनी है पोल से, यानी ये लेंथ चाहिए मेरे को, मानते हो बच्चा इस चीज को, पक्की बात है। अब पूरी दूरी कितनी है, आर थी सेंटर से, यहां से लेके यहां तक की दूरी आर थी, और ये दूरी कितनी है, आर बाय टू सेक आई, आर बाय टू सीकेंट ऑफ आई, तो ये दूरी क्या बचेगी, आर माइनस आर बाय टू सीकेंट ऑफ आई, इतनी बात पल्ले पड़ती है। तो फोकस की लोकेशन जो आप रट्टा मारते हो ना कि आर बाय टू है, वो आर बाय टू नहीं होता, वो आई पे डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, आर बाय टू माइनस सॉरी आर माइनस आर बाय टू, ये नहीं आएगा, आर माइनस आर बाय टू सीकेंट ऑफ आई। अब आपको लॉजिक पता लग जाएगा, देखो अगर आई बहुत छोटा है, आई इज वेरी स्मॉल, आई टेंडिंग टू जीरो, आई टेंडिंग टू जीरो, तो कॉस जीरो जो होता है बच्चा वो वन होता है, तो वन बाय कॉस क्या हुआ, सीकेंट वन हो जाएगा। तो अगर बहुत आई बहुत छोटा हो तो सीकेंट आई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, वन होती है, मानते हो, तब क्या बन जाएगा, ये आर माइनस आर बाई टू बन जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, आर बाई टू आएगी। लेकिन अगर मेरे पास आई बड़ा है तो एफ की वैल्यू आर बाई टू नहीं आएगी, ठीक है बच्चा। इसीलिए मैंने कहा था आपको जो रे पास पास हैं उनके लिए तो फोकस से पास होंगी, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, सबके लिए एंगल छोटा है मेरे पास, सारी रेज फोकस से पास करेंगी, जो रे दूर से पास करेगी उसके लिए अलग पॉइंट आएगा, ठीक है बच्चा। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है ना वो है आर माइनस आर बाई टू सीकेंट ऑफ आई। इसी पे एम्स ने एक सवाल पूछा था, मैं सवाल कराऊंगा आपको नेक्स्ट टर्न पे उसको, ठीक है जी। मेरी बात कितने लोगों को पल्ले पड़ गई है, हाँ जी सही है आपका, महक जी सही था आपका, हाँ जी अनुराग जी हाथ खड़ा किया आपने, बताओ। तो बच्चा हमने ये देख लिया कि रेज जो हैं वो पैरेलल हैं, तो बच्चा कहां से पास होती हैं, फोकस से, बस शर्त क्या है, आई बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है जी, और अगर आई बड़ा है तो फोकल प्लेन से पास करेंगी, सेम पॉइंट से पास नहीं करेंगी, और टेढ़ी आ रही है तो भी कहां से पास करेंगी, फोकल प्लेन से पास करेंगी। आया समझ में बच्चा, पक्की बात है। अब मैं बात करता हूं साइन कन्वेंशन की, आगे हम फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है जी, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन चाहिए होगा हमारे को। तो सुनो, जैसे मान लो रे इधर जा रही है, तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, रे इधर जा रही है, तो बच्चा हम क्या करेंगे, जिस तरफ रे जाती है इंसिडेंट रे, जिस तरफ रे जाती है उस डायरेक्शन में क्या मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव मानते हैं, और उससे अपोजिट जो है उसे नेगेटिव। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, उसे हम क्या मानते हैं बच्चा, पॉजिटिव मान लेते हैं, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानते हैं हम लोग, नेगेटिव मान लेते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। और जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर कोई चीज है मेरे पास, ऊपर जा रहा हूं तो क्या मानना है मुझे, पॉजिटिव मानना है, और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा हूं तो उसे मुझे क्या मानना है, नेगेटिव मानना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जैसे मैं बात करता हूं, ठीक है बच्चा, ये मैं बात कर रहा हूं, जैसे इसके अंदर ये मेरा कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है मेरे पास,
तो कंकेव मिरर है, इसका फोकस यहां कहीं होगा, मानते हो ऐसे रे आएगी टकराएगी, तो डिस्टेंस हमेशा कहां से नापते हैं, पोल से नापते हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पोल। मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां पे, तो और ये मेरा फोकस है, तो पोल से मुझे फोकस की तरफ जाना है, पोल से मुझे फोकस की तरफ जाना है, और इंसिडेंट रे किधर जा रही है, इधर जा रहा हूं। तो मान लो ये डिस्टेंस 10 दे रखा है, फोकल लेंथ आपको 10 दे रखी है, तो इस फोकल लेंथ को मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, बताओ। हाँ जी, बाकी दो ही बच्चे जवाब दे रहे हैं यार, बाकी सो रहे हो क्या? चलो गुड है, सबको आ रहा है समझ में, मतलब ठीक है। तो भाई सुनो, डिस्टेंस हम नापते हैं किससे बच्चा, पोल से नापते हैं, पोल से उस पॉइंट की तरफ जाओ, और पोल से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को मैं बोलता हूं यू, और पोल से इमेज की दूरी को बोलता हूं वी। टर्म समझ लो, यू बोलता हूं किसको मैं, ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से, और वी बोलता हूं मैं इमेज की दूरी किससे, पोल से। ठीक है, इस केस में तो यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि नापते किधर है, पोल से नापते हैं हम लोग। तो बताओ यू की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, गुड। सब लोग बने, इतने आलसी क्यों हो तुम लोग? चलो, तीन चार बच्चे जवाब देते हैं, 35 बच्चे क्लास में बैठे हैं, मजा नहीं आता ऐसे, प्राणा बंद कर दूंगा मैं तो। चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना, ठीक है? वहां से आपकी असली ऑप्टिक स्टार्ट होगी, ठीक है? मजा भी आएगा उसमें, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे पास, उसमें मजा आएगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, नमस्कार। हाँ जी बिंदु बोलो, टाइप कर दो बच्चा, बिंदु आई एम देयर।